brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. के लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय बम एंड टाइम में बीजेपी के चले गए। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पर इन लोगों के हाथ में ये देश सुरक्षित नहीं है। संविधान अक्षय बम जैसे लोगों को टिकट देना चाहिए कांग्रेस को, कभी के नहीं देना चाहिए? देखिए, किसके मन में क्या है ये तो जान पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप हमारे साथ नहीं चलिए कोई बात नहीं, और आप किसी के हो जाए ये आपके बस की बात नहीं। आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी, और मेरे साथ खास मेहमान ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक। सभा में जाना है, देरी है, जाम लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूं, पब्लिक भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूं, चूंकि मुझे भी कहीं जाना है। प्रवीण पाठक जी, कितना आसान है या घमासान ग्वालियर? देखिए, जीवन में कोई भी चीज सरल तो नहीं होती, हर लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही विजयश्री मिलती है। नहीं, इस बार चुनाव मतलब कैसा मतलब आपको लग रहा है? आप चूंकि आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े हो, दूसरा आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी हलचल ये हुई कि आपको खुद पता है कि आपके लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय बम एंड टाइम में बीजेपी पे चले गए। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पर इन लोगों के हाथ में ये देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित। तो ऐसे लोगों को, अक्षय बम जैसे लोगों को, प्रवीण पाठक अगर मान लीजिए संघर्षशील नेता है, उनको लोकसभा का टिकट मिलता है तो भाई कार्यकर्ता भी खुश होता है, होते हो भैया कि नहीं? प्रवीण पाठक, प्रवीण पाठक को टिकट मिला, लेकिन भैया अगर नेता के नारे बाद में भी लग जाएंगे, नेता से संवाद जरूरी है, नारे बाद में भी लगेंगे। प्रवीण जी ये बताइए, ऐसे लोगों को, अक्षय बम जैसे लोगों को टिकट देना चाहिए कांग्रेस को, कभी के नहीं देना चाहिए? देखिए, किसके मन में क्या है ये तो जान पाना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी हो या सामाजिक जीवन हो, हम लोग भरोसा ही कर सकते हैं। अब आप हमारे साथ नहीं चलिए कोई बात नहीं, और आप किसी के हो जाए ये आपके बस की बात नहीं। बढ़िया, अच्छा आपने शेर से कहा। बहुत संक्षेप में एक बात और, मैं अभी ग्वालियर फिर आऊँगा, फिर आपसे डिटेल में बात करूँगा, लेकिन फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, इस बार ग्वालियर में कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या उलटफेर होगा ग्वालियर सीट पर? इन लोगों के चेहरों की चमक आपको नहीं बता रही कि हमारा आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रवीण पाठक कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, आप देखते रहे एमपी तक।